औरैया जिले में बिधुना कोतवाली क्षेत्र के कुदरकोट गांव स्थित भोलेनाथ के मंदिर में सो रहे दो पुजारियों की चारपाई में बांधकर धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी, जबकि एक अन्य पुजारी को गंभीर हालत में सैफई रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि तीसरे पुजारी को बदमाश मरा समझकर भाग गए थे, लेकिन जब सुबह लोग दर्शन करने आए तो नज़ारा देखकर दंग रह गए। अलग अलग चारपाई में दोनों पुजारियों के हाथ पैर बंधे हुए थे और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। हत्या के पीछे अभी कारण पता नहीं चल सका है, लेकिन ग्रामीण दबी जुबान से कह रहे हैं कि देर रात पशु तस्करी में जानवर पकड़ने की खबर मिली थी। हो सकता है कि पशु तस्करों ने इस घटना को अंजाम दिया हो, लेकिन कोई भी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। देर रात हुई डबल मर्डर की घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर हंगामा भी किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि इस मंदिर में पिछले कई वर्षों से लज्जाराम, हल्केराम और रामशरण पुजारी थे, जिनमें से लज्जाराम और हल्केराम की निर्मम हत्या कर दी गई है। चारपाई से हाथ पैर बंधे होने के कारण पुलिस के आलाधिकारी आशंका जता रहे हैं कि बदमाश अधिक संख्या में होंगे, जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस जाँच में जुट गई है। जो जो चीज़ें उठ रही हैं हत्याकांड के वजहों के बारे में, तो उनको हम सुन रहे हैं और उनको गंभीरतापूर्वक हम ले रहे हैं और उन पर पूरा जांच करके जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हाँ नहीं, बेहद तरीके से हत्या की गई है। मतलब एक में तो रॉड का प्रयोग किया गया है और सिर पे, एक में चाकू का प्रयोग किया गया है और एक जो है मरणासन्न स्थिति में है, सैफरी में रेफर है। तो बेहद तरीके से दो लोगों की तो मौत हो गई है और एक जो है मरणासन्न स्थिति में, बताया जा रहा है मरणासन्न स्थिति में, तो यहाँ बिधुना गए थे, वहाँ से रेफर हुए हैं। सर, गांव वालों का कहना है कि गाय काटने का विरोध करने पर यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पूरा हम इसको गंभीरता से लेते हैं, जो कहा जा रहा है हम इसको गंभीरता से लेते हैं और इसको हम जांच का विषय है हमारे, बिल्कुल उसको हम गंभीरतापूर्ण लेते हैं और उसकी एविडेंस इकट्ठा करेंगे। उस चीज के बारे में जो आरोप लग रहा है उसके बारे में हम एविडेंस साथ इकट्ठा करेंगे। सर फिलहाल बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई सुनने की बात नहीं है। ठीक है।